लगातार अपराधी घटना घट रहे हैं और ऐसे में आज बीजेपी के नेता की हत्या कर दी गई। लगातार जो है बिहार में अपराध बढ़ रहा है और माननीय नीतीश कुमार जी से लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं रह गया। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार इधर उधर करते हैं और अगर आप देखें तो ना ही वो कोई जनप्रतिनिधि से मिलते हैं, ना ही जनता से बात करते हैं और पूरी तरीके से जो है अधिकारियों के बीच में रहते हैं और उनको कोई खबर नहीं रहता है। तो बड़ा दुखद है, लगातार जिस हिसाब से बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेकार होते जा रही है, लोग घर में घुस के गोली मार रहे हैं, ये स्थिति बनी हुई है। आप देखिएगा कि पहले जो हम लोगों के साथ थे इनको उस समय अपराधी कहते थे, जब बाहर आए तो मुख्यमंत्री सीएम आवास मुख्यमंत्री से मिलने गए, उनके साथ कितने लोग गए थे जो लोग पुलिस के हत्यारे लोग थे जो सीएम हाउस घुसे हुए थे। तो ये तो स्थिति बनी हुई है पूरी तरीके से। बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं, कोई ऐसा दिन नहीं जहां मर्डर लूट हत्या रेप किडनैपिंग डकैती या एक ऐसा दिन नहीं है जहां बैंक की लूट नहीं हो रही है। सरकार खामोश है, मुख्यमंत्री इधर उधर करते हैं, अपने मस्त रहते फिर पस्त हो जाते हैं। तो कम से कम अब कहीं भी जाए भाई मुख्यमंत्री है, जहाँ हत्या हो रही है वहाँ तो मुख्यमंत्री कहीं नहीं जाते। यही ना हम लोग कह रहे कि भाई ये तो संरक्षण दिया जा रहा है ना, बिहार में अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है और पूरी तरीके से अपराधी जो है मस्त हो चुके हैं, उनको अब भय नहीं रह गया है किसी भी पुलिस का। और हम पहले भी कहते रहे जब तक निष्पक्षता से पुलिस के जितने बड़े अधिकारी हैं उनका ट्रांसफर पोस्टिंग ढंग से नहीं होगा, जो काम पे जो अच्छा काम करते हैं उनको अच्छी जगह पे नहीं लाइएगा, तब तक यही होगा।